दोस्तों आप कुछ भी कह लीजिए, रोहित शर्मा और विराट कोहली की रिप्लेसमेंट इतना आसान नहीं होगी। रोहित शर्मा ने टीम इंडिया को क्या नहीं दिया है, विराट कोहली ने टीम इंडिया के लिए क्या नहीं किया है। रोहित शर्मा और विराट कोहली ने T20 विश्व कप जीतने के बाद जब रिटायरमेंट का अनाउंस किया तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया, ठीक है भाई रिटायरमेंट ले लिया, अच्छा है, नए लड़के को मौका मिलेगा और नया रोहित और नया विराट कोहली निकाल के सामने आएगा। लेकिन कल का मैच जब हमने जिम्बाब्वे के सामने देखा तो सबकी हवा टाइट हो गई। रोहित और विराट का रिप्लेसमेंट इतना आसान नहीं होगा। रोहित शर्मा उस मकाम को हासिल कर चुका है जहां पहुंचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। विराट कोहली वहां पहुंच चुकी है जिसे कोई छू भी नहीं सकता। लोग कह रहे थे हमारे पास अभिषेक शर्मा है, हमारे पास शुभमन गिल है, हमारे पास ऋतुराज गायकवाड़ है, हमारे पास रियान पराग है, हमारे पास जायसवाल है, लेकिन जब इंटरनेशनल लेवल पर गेम आती है तो सबकी हवा टाइट हो जाती है। जो लोग सोच रहे थे कि रोहित शर्मा और विराट कोहली का रिप्लेसमेंट आसानी से मिल जाएगा, वही लोग आज के दिन सोच रही है कि रोहित विराट का रिप्लेसमेंट इतना आसान नहीं होगा। और जब जिम्बाब्वे ने पहला ही मैच में टीम इंडिया को हरा दिया और एक तरफा मुकाबले में टीम इंडिया को हराया तो सबकी मुंह बंद हो गई। और दोस्तों 2026 में भारत ने पहला मैच हारा है T20 में। रोहित और विराट कोहली की अगुवाई में लगातार 12 मैच जीतने की बात पहली बार मैच हारा टीम इंडिया ने 2026 में। और अब लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कुछ भी हो रोहित और विराट का रिप्लेसमेंट इतना आसान नहीं है। हाँ, रोहित शर्मा और विराट कोहली बहुत बड़ा दिग्गज है जिसे सुना हर खिलाड़ी की सपना होता है। जहां रोहित शर्मा पहुंच गई है वहां पर पहुंचना हर खिलाड़ी का सपना होता है। जिसे विराट कोहली हासिल कर चुका है उसे हासिल करना हर खिलाड़ी का सपना होता है, लेकिन इतना आसान नहीं होगा ये सपना हासिल करना। आपको काफी मेहनत करना पड़ेगा, आपको पसीना बहाना पड़ेगा, तब ही आप विराट और रोहित जैसा बन सकते हैं। अगर आप जिम्बाब्वे जैसा टीम के सामने इस तरह से हार जाते हैं तो आपके ऊपर बार बार उंगली उठेगी, आपके ऊपर बार बार सवाल खड़ा हो जाएगा। दोस्तों इंडियन क्रिकेट में युवराज सिंह का जो जगह है उसका भरपाई आज तक नहीं हुआ है। युवराज सिंह ने जिस तरह से बल्लेबाजी किया था, जिस तरह से टीम इंडिया को दोनों ही विश्व कप जिताया था, वह उसकी तरह बल्लेबाज हमारी टीम में आज भी नहीं मिला है। आज भी हम नया युवराज सिंह की तलाश में हैं, आज भी हमें युवराज सिंह नहीं मिल रहा है। युवराज सिंह ने 2007 की विश्व कप में एक ही ओवर में 6 सिक्सेस लगाए थे, उसके बाद 2011 की विश्व कप में वो मैन ऑफ द सीरीज रहा है। क्या शानदार बल्लेबाजी उन्होंने की और युवराज सिंह ने धुआं धुआं कर दिया था मैदान में, और उस युवराज सिंह की भरपाई आज तक टीम इंडिया में नहीं हुई है। तो रोहित और विराट की भरपाई आसानी से कैसे हो जाएगी। हाँ, हम इंडियन जल्दी ही मान लेते हैं कि रोहित शर्मा की जगह भरपाई हो जाएंगे, विराट कोहली की जगह भरपाई हो जाएंगे, लेकिन इतना आसान नहीं है भाई, इतना आसान नहीं है। जब युवराज सिंह की जगह आज तक भरपाई नहीं हुई है तो रोहित और विराट की जगह कैसे भरपाई हो जाएंगे। हाँ, हम आशा ये रखते हैं कि जल्दी ही कुछ खिलाड़ी ऐसे निकाल के हमारे सामने आ जाए जो खिलाड़ी इन दिग्गजों का जगह भरपाई कर सके। यही उम्मीद और यही आशा है एक इंडियन के रूप में हमें करना चाहिए और करता हूं। महेंद्र सिंह धोनी का जगह आज तक भरपाई नहीं हुई है। महेंद्र सिंह धोनी वो है जिन्होंने ICC की हार ट्रॉफी जिताए है टीम इंडिया को, उनका जगह आज तक भरपाई नहीं हुई है और उम्मीद ये किया जाता है कि जल्द ही भरपाई हो जाएंगे। ये आशा हम काफी साल से करते आ रही है। हाँ दोस्तों, सचिन और सहवाग का रिप्लेसमेंट हमें मिल गया था। सचिन की जगह विराट कोहली और वीरेंद्र सहवाग की जगह है रोहित शर्मा, और दोनों ही अच्छा रिप्लेसमेंट हमें मिला था जिसकी वजह से हमने T20 विश्व कप उठा पाया। और आगे उम्मीद ये है कि हमें युवराज सिंह की रिप्लेसमेंट मिल जाए, हमें महेंद्र सिंह धोनी का रिप्लेसमेंट मिल जाए, और इस समय रोहित शर्मा और विराट कोहली का रिप्लेसमेंट मिल जाए। युवराज सिंह महेंद्र सिंह धोनी का कहानी तो अलग है, लेकिन रोहित शर्मा और विराट कोहली का रिप्लेसमेंट
इतना आसान नहीं होगा। ओवरऑल विराट कोहली और रोहित शर्मा वो खिलाड़ी है टीम इंडिया को जब भी मुश्किल आई है तो ये दोनों खिलाड़ी सामने आकर खड़ा हो गए हैं और अपने टीम के लिए लीड लिए हैं और अपने टीम को कई सारे मुश्किल में से जिताई है, जिसकी वजह से पूरा दुनिया रोहित शर्मा और विराट कोहली को आज भी याद करते हैं। जो भी हो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ दोस्तों आप लोगों से विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे। जय हिंद।